तरुण तुम मत उठो, मैं इसे ले जाती हूँ। जरूर सुनीति ने इसे यहाँ रखा होगा ताकि अगर तुम भूलना भी चाहो ना तो भी ना भूल पाओ कि इसने मिनी को मार डाला। ये रोने क्यों लगी? चुप हो जा बाबा, चुप ना मेरी बेटी। क्या तरुण तुम भी दो मिनट अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते? तुम जानते हो कितनी छोटी है नाजुक है, और फिर अनजान हाथों की इसे आदत भी। अनजान तो तरुण के भी हाथ है इसके, फिर भी तुम इसे यहाँ छोड़ गए क्यों? हाँ क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तरुण इसका पिता है, खून है ये इसका, और खून खून को पहचानता है। देखना चाहते तो रख दो खुशी को तरुण के पास और देखो कैसे दो मिनट में चुप हो जाती है। सुना नहीं तुमने शिकायत? मैंने कहा कि खुशी को तरुण के पास रख दो। और अगर फिर भी ये चुप नहीं हुई तो तुम इसे दोबारा यहां लाकर मेरे भाई को परेशान नहीं करोगी? हाँ तरुण, अपना हाथ खुशी पे रखो।